नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल हीरा मंडी की चर्चा। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और स्ट्रीम होने के साथ यह चर्चा में आ गई है। इस सीरीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि संजय लीला भंसाली ने जो क्रिएशन किया है, हम उसी को देखें, उसी की समीक्षा करें। दूसरा तरीका ये है कि इसमें ऐतिहासिकता की खोज करें, ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक सीरीज नहीं है। इतिहास का हवाला है इसमें थोड़ा सा, लेकिन उस समय की घटनाओं से बहुत ज्यादा करीबियत नहीं है। तीसरा, संजय लीला भंसाली को लेके पूर्वाग्रहों से ग्रसित दर्शकों को अवश्य इसमें केवल भव्यता, लुक, कॉस्ट्यूम और आर्ट डायरेक्शन दिखेगा। मैं हीरा मंडी वेब सीरीज की बात करूंगा। यह वेब सीरीज पिछली सदी के तीसरे दशक में रची गई है। तीसरे दशक में लाहौर की यह बस्ती हीरा मंडी, जो अब ढलान पर है, अवसान पर है, उसकी कहानी है। हीरा मंडी के इतिहास में जाए तो हीरा नाम के सेठ ने इसका निर्माण किया था, एक बाजार बनाया था। बाद में वह धीरे धीरे तवायफों के कोठे में बदल गया और वहां नवाब, अंग्रेज और समाज के दूसरे रईस आने लगे। तवायफों की रवायत पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके लिए कभी अलग से बात करेंगे। इस सीरीज में मुख्य रूप से मल्लिका जान और फरीदन की कहानी। दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। मल्लिका जान की बड़ी बहन रेहाना फरीदन की मां थी। उसे मारकर मल्लिका ने हुजूर का रुतबा हासिल किया है। अब वह हुजूर है। उसने फरीदन को कहीं बाहर भेज दिया, जो एक लंबे समय के बाद लौट कर आती है और फिर दोनों की प्रतिद्वंदिता, दोनों में केवल फरीदन की साजिशें और मल्लिका जान की कोशिश कि उसका रुतबा बना रहे, इनके बीच की टकराहट है। इस टकराहट में नवाब और अंग्रेज खिलौनों की तरह आते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस सीरीज को देखते हुए यह याद रखना चाहिए कि पूरी तरह से काल्पनिक सीरीज है। सबसे पहले लेखक और दूसरे तकनीकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। मोइन बेग की मूल अवधारणा को संजीव लीला भंसाली ने स्क्रिप्ट में तब्दील किया। दिव्य निधि शर्मा और विभव पुरी भी इसके लेखन से जुड़े हुए हैं, विभव पुरी के संवाद हैं। इस सीरीज को देखते हुए संवादों पर आपका ध्यान जाता है, जिस तरीके की भाषा, जो इमेजेस, जो कटाक्ष, जो मोहब्बत संवादों में जाहिर है, वह प्रभावित करती है। इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी मुख्य रूप से सुदीप चटर्जी और महेश लिमेय ने की है। उनके साथ वेंसांग मोहपात्रा और रघुल धनुमन भी रहे हैं। इस सीरीज की कास्टिंग श्रुति महाजन ने की है। कॉस्ट्यूम रिंपल नरूला, चंद्रकांत सोनावणे, सेट
निकम मयूर। इसकी एडिटिंग खुद संजय लीला भंसाली ने की है। कुछ भी कहने के पहले इन नामों का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मुख्य रूप से पर्दे पर दिख रहे चेहरों को याद। अब आ जाए सीरीज के ऊपर। सीरीज 1920 से 1929 के बीच की कहानी है, जिसमें मल्लिका जान शाह बाग में रहती हैं और सामने ख्वाबगाह है जिसमें फरीदन आकर रह रही है। फरीदन की पूरी कोशिश है कि वह अपनी माँ के कत्ल का बदला ले और हीरा मंडी की हुजूर बन जाए। इस कोशिश में वह साजिशें रचती है, अंग्रेजों को फंसाती है, नवाबों को फंसाती है, पूरे तेवर में नजर आती है, अपनी मादकता से, अपनी दूसरी कोशिशों से वह उन्हें इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ मल्लिका जान की पूरी कोशिश है कि हीरा मंडी बचा रहे और जो तवायफों की परंपरा है वह आगे बढ़े। वह अपनी बेटियों को भी इसमें शामिल करना चाहती है। बेटियों में से एक बेटी आलम बेग की ख्वाहिश कुछ और है, वह शायरा बनना चाहती है। उसकी मुलाकात ताजदार से होती है। ताजदार ब्रिटेन से पढ़कर आए नवाब हैं और हीरा मंडी को हिकारत की नजर से देखते हैं। दोनों के बीच मोहब्बत है होती है। ताजदार इस बात से अनजान है कि आलम बेग हीरा मंडी से ही आती हैं। बाद में ड्रामा रचा जाता है और हाँ, अंग्रेजों की बड़ी भूमिका है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। यहाँ फिर इतिहास प्रेमी दुखी होंगे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1911 तक खत्म हो गया था, लेकिन इस सीरीज में रखा गया है। लाहौर की जनता अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो रही है। क्रांतिकारियों का एक जत्था गुप्त रूप से सक्रिय है। ताजदार उसका सदस्य बन जाता है। इस तरीके से कहानी तवायफ, नवाब और अंग्रेज के त्रिकोण को रचती है और इस त्रिकोण की भिड़ंत, इस त्रिकोण के परस्पर द्वेष, इस त्रिकोण के परस्पर इच्छाएं, इस त्रिकोण के परस्पर मंसूबे टकराते हैं और एक ड्रामा क्रिएट होता है। सीरीज उस ड्रामे को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाती है। इसका पहला एपिसोड जो लगभग एक घंटे का था, देखते हुए मुझे भी लगा कि यह थोड़ा बोरिंग और धीमा है, लेकिन बाद के एपिसोड देखने के बाद, थोड़ा धैर्य रखने के बाद महसूस हुआ और मैं इन किरदारों के गिरफ्त में आता चला गया। इस सीरीज में इन दोनों मुख्य किरदारों के अलावा लज्जो हैं, बिब्बो हैं, हमीदा हैं और आलम बेग हैं। उन सबकी भी कहानी अपने अपने तरीके से संजीव लीला भंसाली ने रखी है। मुझे इस सीरीज में सभी किरदारों में आलम बेग और लज्जो ज्यादा पसंद आई। बिब्बो का किरदार भी आकर्षित करता है, वह क्रांतिकारियों के साथ भी जुड़ी हुई है और हीरा मंडी के अंदर मल्लिका जान की ख्वाहिशों के अनुसार चलती है। आलम बेग आजाद होना चाहती है और आजादी की उसकी यह ख्वाहिश हीरा मंडी में भी प्रवेश करती है और सीरीज के अंत में आकर हम देखते हैं कि कैसे हीरा मंडी की तवायफें कहती हैं कि हम सिर्फ मुजरे वाली नहीं हैं, हम मुल्क वाली भी हैं। और हम देखते हैं कि वे उस जुलूस में शामिल होती हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ निकला है। यह सीरीज पुरानी कुछ फिल्मों नूर जहां, मुगले आजम, पाकिजा, गर्म हवा
से प्रेरणा लेती दिखाई पड़ती है। कुछ एक अंश, कुछ एक टुकड़े वहां से प्रभावित दिखते हैं। देश के हुजूम के साथ, देश के नागरिकों के साथ हीरा मंडी के तवायफों का शामिल होना एक बड़ा संदेश है। साथ ही यह भी देखना होगा कि हीरा मंडी वास्तव में किन मुश्किलों और बुरी स्थितियों से गुजर रहा था और कैसे अंग्रेज तवायफों का भी इस्तेमाल कर रहे थे, उनका शारीरिक शोषण कर रहे थे और अपने दबदबे से उन्हें परेशान भी कर रहे थे। नवाब यहाँ पे सेकंड फिडल हैं, नवाबों की मुख्य भूमिका नहीं है, फिर भी उनकी मौजूदगी है और वे अपने किरदारों को जरूरत के मुताबिक निभाते हैं। यह वास्तव में तवायफों की ही कहानी है और उनकी अपनी रवायत को, ट्रेडिशन को, परंपरा को बचाए रखने की जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद में उनकी आपसी रंजिश और बाकी सारी चीजें हैं। मैं तो आपसे सिफारिश करूंगा कि आप यह सीरीज जरूर देखें और देखें कि कैसे एक काल्पनिक संसार रचकर कुछ कायदे की बात भी की जा सकती है, कुछ भुला दिए गए तथ्यों को सामने लाया जा सकता है। आजादी की लड़ाई में तवायफों की भूमिका क्या रही, इस पर हल्का सा संकेत भी। बाकी आप बताएं, प्रतिक्रियाएं तो बहुत सारी आ रही हैं, समीक्षाएं बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मैं उन समीक्षाओं को अपेक्षाएं ज्यादा कहता हूं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।